12 घंटे, सिर्फ 12 घंटे। किसी के जीवन में वक्त की कितनी कीमत हो सकती है, वो भी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच। वक्त के भागते हुए रफ्तार में खुशियां भी होती हैं और कितने गम भी। सब कुछ जानते हुए भी जिंदगी को जी लेते हैं। मैं भी वक्त का अनुमान ऐसे ही लगाता था, पर जिंदगी की सच्चाई मेरी सोच से बहुत अलग थी। जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, बस कुछ पल की देरी होने से जिंदगी कैसे बदल जाती है, हम आज इस कहानी में देखेंगे। इसके साथ ही हम इस कहानी में ये भी देखेंगे कि जिंदगी का एक पहलू और भी है। कभी कभी 12 घंटे बहुत होते हैं जिंदगी को बदल देने के लिए, सिर्फ 12 घंटे। कम से कम तुम्हें उसे ऑल द बेस्ट तो कहना चाहिए था ना, या फिर कम से कम पूछ लेते कि ये सब कैसे फेस करेगी। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा घड़ी देखकर ही काम करता हूँ। मैं भूल गया था, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो तुम इतना परेशान हो रही हो। ये स्टेज शो ही तो है। इसके लिए वो सिर्फ एक स्टेज शो नहीं है, आखिर ये उसका पहला स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन है। मैं कैसे समझाऊं कि उसने कितनी मेहनत की और उसे तो यकीन था कि आप कम से कम एक बार तो उसे फोन करेंगी। तुम जानती हो कि मैं अक्सर बिजी रहता हूँ, कम से कम तुम्हें तो मुझे याद दिलाना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, उससे कहना मैंने उसे कॉल किया था और उस वक्त जब वो अपने घर पर नहीं थी उस समय मैंने तुमसे उसके बारे में सब कुछ पूछा था। सर रेडी है ना? जी सर रेडी। अच्छा अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो मैथ्यू को कॉल कर लेना। बाय। माँ देखा ना आपने कॉम्पिटिशन कैसा हुआ, प्राइज मिला या नहीं कुछ नहीं पूछा। वैसे तुम्हारी हॉबीज क्या है? मेनली इंटरनेट सर्फिंग, फेसबुक, ट्विटर, और कभी कभी गाने सुनता हूँ और किताबें भी पढ़ता हूँ। मूवीज? हाँ वो भी। तुम्हें कौन सी हिंदी फिल्म पसंद है? क्लासमेट। क्यों? मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है इसलिए मैं अभी तक कॉलेज के माहौल से निकल नहीं पाया हूँ। आई गेस दैट्स द मेन रीजन। व्हाई जर्नलिज्म? अगर मैं आपसे सच कहूँ तो जब मैं किसी भी इंसान की जिंदगी पर आधारित सच्ची खबरें पेश करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। थैंक यू। काश ये गाना मैंने पहले गाया होता, तुम आज मेरी होती। प्रॉमिस, तुम ऐसे दो दिनों तक मुझे टालती नहीं। दैट्स परफेक्ट। फ्री हो के मेरा गाना सुन लेना, और हाँ बुधवार पूरा दिन मेरे नाम। मुकरना मत। ओके घर पहुंच के फोन करता हूँ। लव यू टू, बाय बाय। गायत्री, गायत्री वर्मा। और वो दूसरी का क्या, शिल्पा? कौन शिल्पा? अरे वो तो कब की जा चुकी है यार। अभी तो मैं गायत्री पे फोकस कर रहा हूँ। अच्छा सुरेश भाई, इसकी तरह गाने मत गाना वरना तेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे ये है कौन? द हॉटेस्ट वुमन इन कोची। ओ उससे मिला और उसमें डूब गया। दो हफ्ते उसके साथ गाना गाया, वैसे पिछले हफ्ते भी गाना गाया था, अभी इस बुधवार को गाना गाने वाले हैं। डुएट सॉन्ग। वाह भाई तानसेन। इसने पहली ही बार रिश्वत ली और पहली बार ही पकड़ा गया। हाँ हाँ ट्रैफिक कांस्टेबल है। नाम नाम क्या है तुम्हारा? सुदेवन। सुदेवन? हाँ सर, नायर पहचानता है इसे। सर कृपा करके मंत्री जी से बात कर लीजिए और इसके सस्पेंशन ऑर्डर को रुकवा दीजिए। परिवार की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। अगर इसकी नौकरी चली गई तो इसके परिवार वाले आत्महत्या कर लेंगे सर। हेलो। हाँ रवि बोल रहा हूँ। हाँ लिफ्ट में था ना इसीलिए। हाँ हाँ मैं आता हूँ ना, व्हाइट फोर्ड है। ओके राजन, उस चेक का क्या हुआ? क्लियर हो गया सर, हमने उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया था। सर प्लीज। और क्या चल रहा है जॉय? 16 तारीख को फिल्म रिलीज हो जाएगी सर। उसके क्लाइमेक्स में बहुत हिंसा है सर। इसका मतलब बाकी सब बोरिंग है। थैंक यू सर। कल आप प्रीव्यू देखने आ सकते हैं क्या? अगर आ सकते हैं तो। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कल पूरे दिन मैं बिजी हूँ।
सर क्या आप 16 तारीख को यहाँ रहेंगे? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे लगता है मुझे मलेशिया जाना पड़ेगा। अगर आप प्रमोशन के वक्त यहाँ रहते तो अच्छा रहता। आप ये सब तो आप लोग भी कर सकते हैं ना, मेरे यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं। अभी निकलता हूँ। ये तुम्हारी पहली फिल्म है, भगवान पर भरोसा रखो। थैंक यू सर। ओके क्या हुआ यार? मैं 16 को जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट ट्रेनी। आई नीड इट मैन, आई नीड इट। ओके मैं बाइक लेके आता हूँ। तुम्हारा केस खत्म हो गया, डिवोर्स मिल गया, चैप्टर क्लोज्ड। पता नहीं सही है या नहीं, और मैं नहीं जानती तुम क्या सोचते हो, लेकिन इस रिलेशनशिप को अब हमें यहीं खत्म करना होगा रेहान, यही होना था। I'm happy for you। चलती हूँ, तुम्हें कॉल करूँगी। गाड़ी साइड में खड़ी करो, साइड में। हाँ लाइसेंस दिखाओ, किधर लाइसेंस, पेपर दिखाओ, इंश्योरेंस। तुम एक डॉक्टर हो ना? हाँ सर। बड़े शर्म की बात है कि आपने ऐसा किया। सर हम जरा टेस्ट ड्राइव कर रहे थे। टेस्ट ड्राइव में भी सीट बेल्ट लगाई जाती है। सॉरी सर। ओके लाओ तुम दिखाओ। क्या यार हम इसी रास्ते पर क्यों आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ मैंने ये कार खरीदी क्यों, ना मन चाहा कलर मिला ना मॉडल, और ऊपर से ये यार ये कलर बहुत लगी है। हाँ सही कह रहा है, दिख रहा है। देख मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, अगले 16 को मेरी शादी की सालगिरह है। मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। देखो अगर ये कार मुझे सही टाइम पर नहीं मिली ना तो मेरा असली रंग दिखोगे। क्या तेरा वादा? ए, क्या यार तेरा वादा? ओके चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सी यू, बाय बाय। ओके अच्छा तुम 16 तारीख से ज्वाइन कर सकते हो, परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे बारे में बात कर ली है। थैंक यू सर। आपने उन्हें बताया कि मेरी 3 बेटियां हैं, पर मेरी तो एक ही बेटी है। देखो दया पाने के लिए ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, इससे मंत्री जी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। हाँ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। चलते हैं। यही कानून है जिंदगी में, 2 पहलू हमें समझाते हैं कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे। कम से कम 1 मिनट तक हम एक साथ बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करते हैं, कई आशाएं अपनी आंखों में लिए, फिर सभी अपनी अपनी अलग अलग मंजिल की ओर चले जाते हैं। यही सोचते हैं शायद वो अजनबी हमें जिंदगी के किसी पड़ाव पर मिले, पर किसे पता होता है कि जिन रास्तों से हम गुजर रहे हैं वही रास्ते हमें हमारी मंजिल पर ले जाएंगे। यही सृष्टि का नियम है। उस दिन 5 लड़के रास्ते भर मेरा पीछा करते हुए आए। पहले तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, कुछ देर बाद वो लोग गंदे गंदे कमेंट्स पास करने लगे। उसके बाद मैंने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई, पर वो लोग मेरी कार के साथ साथ अपनी बाइक चलाते हुए आ रहे थे। जब मैं उन सबसे बचने के लिए भागी तो मेरी कार ट्रैफिक में अपना नियंत्रण खोकर एक दूसरी गाड़ी से टकराई। प्लीज वैसे वो गाड़ी कौन सी थी? मुझे इतना याद नहीं है, उस घटना से डर कर मैं वहां से भाग निकली। मुझे लगा कि मुझे अपनी कार रोकनी चाहिए, पर मैं डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। अमो पापा से कहो घर में प्याज नहीं है, लेकर आए। पापा 1/2 किलो प्याज भी लेते हैं ना? 1/2 किलो प्याज डाल दो। लेकिन साहब उसने तो 1/2 किलो देने के लिए कहा था। अरे उससे गलती हो गई, तुम 1/2 किलो डालो ना। कितने हो गए? ये 10 और 20 है। 50 रुपए। आपको क्या चाहिए मैडम? मुझे 1/2 किलो। तो मैं क्या कह रहा था,
एक ज्योतिष से तुमने मेरे लिए बात की थी, उसके बाद? हाँ, जब उसने तुम्हारी जन्म कुंडली देखी और अपना गणित लगाया तो पता चला समय खराब चल रहा है। मेरा सस्पेंशन ऑर्डर निकल गया, अब जिंदगी में इससे बुरा समय और क्या हो सकता है। अब तुम कह रहे हो उस ज्योतिष से मिलो, उस बेचारे का समय भी खराब कर दूं क्या? अरे वो कोई आम ज्योतिष नहीं है, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी है। जब मैंने अपनी ग्रह दशा उसे बताई ना, तो उसने कहा स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। सुदेव सर, आप कल से ज्वाइन कर रहे ना? मैं पूछने आया था कि आपने मंत्री जी से जुगाड़ कैसे लगाया। मैंने सोचा कि आपने कम से कम 50,000 घूस लिए होंगे इसके लिए, लेकिन राजेंद्र ने बताया आपने सिर्फ 15,000 ही घूस लिए। इतना कम क्यों? तो फिर अगली बार से मैं 1,00,000 घूस लूंगा, पर यहाँ की एसोसिएशन को वेलकम सेरेमनी रखनी होगी। सुनो, तुम इस गधे की कुंडली क्यों नहीं दिखा देते अपने उस ज्योतिष से? अगर वो कहेगा इस आदमी का उपचार सिर्फ जूता खाना है तो उस पर भरोसा कर लूंगा। अरे रुको रुको, मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, सौम्या और मीरा साथ में है। ये सौम्या और मीरा जो इसके साथ थी, लगता है इन दोनों के सामने हमारी बेटी को मेरे स्कूटर पर जाते हुए शर्म आती है। अरे वो पिछले 2 हफ्तों से उन्हीं के साथ जा रही है, हो सकता है ये उसकी आदत हो गई हो। कहीं उसका ये ख्याल अपने बाप की फोटो न्यूज़पेपर में देखने के बाद तो नहीं बदली ना? 16 साल की लड़की है पर अपनी इज्जत से कितना प्यार है। हाँ, 16 को रिलीज हो रही है। थैंक यू जया। ओहो, चलो फोन करता हूँ। 10:45 की इंडियन एयरलाइंस की टिकट मिल रही है, एयरपोर्ट पर संदीप मिलेगा, आप आराम से पलक कर 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। मैं और शशि बाई रोड आ जाएंगे। नहीं, शशि अकेले कार से जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। श्रुति ने फोन किया था? हाँ किया था ना, कुछ खास नहीं है। आपका एक चैनल में 11 बजे इंटरव्यू है, वो भी लाइव है। मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ मैनेज कर लेना, क्या किया तुमने? हाँ, पर उन लोगों ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है। उन्हें बता देना कि मैं एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ, मेरे से नहीं होगा, अगर हो सके तो वहीं से मैनेज कर लें, समझ गए? हाँ, और उनसे कह देना कि आगे से लेट ना होने पाए, वरना मुझे भूल ही जाएं। हाँ कहता हूँ। सर, कोरियोग्राफी में बदलाव आया है, आपको चलना होगा। तुम सबने मुझे बेवकूफ समझा क्या? तुमने कहा था कि तुम 8:30 बजे छोड़ दोगे, 9 बज चुके हैं, ये वापस नहीं होगा। सिर्फ एक शॉट सर। मैं स्टार हूँ, जूनियर आर्टिस्ट नहीं। मैथ्यू, हाँ चलो चलते हैं। मैथ्यू, टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। टॉकिंग पॉइंट पर आज हमारे प्रोग्राम पर कुछ खास गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर महादेवन, इंस्पेक्टर किरण, राममूर्ति, डॉक्टर महेंद्रन और फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार मिस्टर सिद्धार्थ। देयर इज लॉट टू टॉक, लॉट टू नो, वेलकम टू द स्लो। ओ शो शो, मैं हर बार शो की जगह स्लो क्यों बोल देता हूँ? ये शो है, स्लो नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत नर्वस हो, और अगर तुम ऐसे ही नर्वस रहोगे ना तो गलतियाँ तो होंगी। एक बार और ट्राई करते हैं, बस एक छोटी सी मिस्टेक तो है। अरे ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, आज मेरा पहला दिन है। बस प्रोग्राम के समय कोई गलती मत करना, आराम से एक फ्लो में बोलते जाओ, और ये कला हम सीख नहीं सकते, गॉड गिफ्टेड होती है। हाँ हाँ विष्णु, नहीं मैं घर पर हूँ, बोल। हाँ तुरंत आओ मतलब, ओ गॉड मैं अभी आता हूँ। अरे क्या हुआ? प्रोग्राम 9:45 पे शिफ्ट कर दिया गया है और वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। कौन था? अरे सिद्धार्थ यार, तू मुझे ड्रॉप कर देगा? ये अचानक क्यों ऐसा किया? पता नहीं यार, आखिर उन्हें क्या हो गया, मैं तो अभी पूरी तरीके से रेडी भी नहीं हूँ। जाने से पहले पापा से बात कर लो। प्रोग्राम थोड़ा जल्दी शिफ्ट कर दिया गया है, मुझे अभी निकलना ही होगा। हाँ मैं शो के बाद तुम्हें फोन करता हूँ। यू आर परफॉर्मिंग वेल, मैंने सब सुना। ध्यान देना। हाँ ठीक है। All the best. 9:45 का टाइम बताया ना? बस प्रे करना कि शो की जगह स्लो ना बोल दूं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। चलता हूँ। ओके बाय, आराम से जाना। बाय। अ
अगर तुम उससे कहती नहीं तो वो बिना अपने बाप से मिले चले जाता ना। वो परेशान था। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत प्रैक्टिस की। हाँ, आपके कितने सारे दोस्त हैं जो मीडिया फील्ड में काम करते हैं और उसके पास क्वालिफिकेशन भी है। किसी से बात कीजिए ना उसके लिए। ऐसा करने से उसे जॉब तो मिल जाएगी, पर उसे हमेशा यही लगेगा कि ये जॉब उसे उसके बाप ने दिलवाई है। उसे थोड़ा स्ट्रगल करने दो, अपने दम पर नौकरी हासिल करनी होगी, यही तरीका है, बाद में उसे समझ में आएगा। मुझे तो आपकी ये फिलॉसफी समझ नहीं आती। चाय दो। ओह भूल गई। छोटे फ्री हो तो जरा 9:45 पर इंडिया विजन देखना, रेहान एक प्रोग्राम कर रहा है, आज उसका पहला दिन है। ओके। हाँ हाँ जॉर्ज, मैं बोल रहा हूँ, अभी उठ रहे हो? इंडिया विजन पर रेहान आज एक प्रोग्राम कर रहा है, टॉकिंग पॉइंट, वो देख कर जरा अपनी फीडबैक देना। ओके। हाँ सुन, हम पन्नापली नगर से चलते हैं। मुझे पहले ही पता था कि तुम उधर से जाओगे, उसके लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है। पहला दिन है यार, बिल्कुल वेट नहीं हो रहा। चलना। Hi Sonia. Hi Shweta. How are you? Fine. How was the treatment? Yeah, it was really nice. Okay. Hello. तुम्हें अभी घर आना होगा। क्यों? मैं तो स्पा में हूँ, तुम हॉस्पिटल में हो ना? तुम जरा ब्रेड वर्ल्ड के पास आ जाओ, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। क्या हुआ? आखिर बात क्या है? अरे आओ तो, मिलकर बताऊंगा। ओके ओके ओके। अब सर जरा अपना फीडबैक दे दीजिए, इस कार में सब कुछ है। ओके। सर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। यहाँ से चली जाओ। आपकी ड्यूटी कहाँ है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। जल्दी चला, जल्दी चला ना यार, जल्दी कर, जल्दी कर। सामने देख, देख लो। चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो, वो तो दे रहा है। ये फाइल साहब को दे दो। कोई कार थी जिससे मेरी कार टकरा गई, शौक की वजह से मैं देख नहीं पाई, कुछ दूर जाकर कार रोकी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आई वाज स्कैर्ड, सच में मैं डर गई थी। Welcome to Talking Point. Today we have a biggest star of our industry. अगर आप उनके बारे में सुनेंगे तो उनका नाम खुद ही समझ जाएंगे। Yes, the one and only Siddharth. अरे ये तो वही लड़की है ना? हाँ। सर आप सिर्फ चुनिंदा फिल्में करते हैं, फिर आपने ये प्रोजेक्ट कैसे साइन किया? इस फिल्म में ऐसी क्या खास बात है, क्या आप ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? देखो मैं बात करता हूँ, तुम चुप रहना, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्लियर ऑफ। लुक, लेट्स ऑल बी होपफुल। अगर ये हिमोटोमा है तो हमें कुछ और सोचना होगा, तभी स्मूथली रिकवरी हो सकती है। डॉक्टर वो होश में है क्या? नहीं,
But don't worry, that shouldn't be the problem. Excuse me, sir. लेफ्ट हिस्से में काफी ब्लीडिंग हो रही थी सर, हमने उसे कवर कर दिया है और मुझे लगता है कि हमें पेशेंट को जल्दी से वहां कहने की क्या जरूरत थी सर, इसीलिए तो मैंने पेशेंट का नाम नहीं लिया था। He is a doctor. ये लोग क्या कह रहे हैं? सॉरी सर, वो कार सिग्नल तोड़ के अचानक से आ गई थी। पेशेंट का नाम क्या है? रेहान सैफुद्दीन। वही एक्सीडेंट वाला केस जो आज सुबह आया? हाँ जी। वो ऑपरेशन थिएटर में है, थर्ड फ्लोर। मैं देख करके आता हूँ, आप लोग यहीं बैठिए। अगर हम लोग भी चले तो? मैं सिचुएशन देख कर आता हूँ, तब तक आप लोग रुकिए। डॉक्टर, डॉक्टर राम। यस डॉक्टर, सर्जरी हमने कर दी है, हम उसे वेंटिलेटर पर रखने वाले। हाँ नहीं, मैं घर जाकर वापस आ जाऊंगा। ओके, आई विल कम। पालकड का अहल्या हॉस्पिटल से फोन आया था, वहां पर एक 13 साल की बच्ची को हार्ट चाहिए इमरजेंसी में, जन्म से ही उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, लगता है कुछ ज्यादा इमरजेंसी है, तभी उन्होंने यहाँ पे कॉल किया है। उस लड़की के पिताजी तुम्हारे दोस्त है ना शायद? फ्रेंड तो नहीं कह सकता सर, पर क्लब में अक्सर मुलाकात होती थी। कम ऑन डॉक्टर, व्हाट आर यू गेटिंग एट? अच्छा, वो भी डॉक्टर है ना? हाँ सर्जन। तब तो उन्हें पता होगा कि उनका बेटा बचेगा नहीं। अगर तुम डॉक्टर से बात करो तो क्या? अगर वो अपने बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दे तो हम इस बच्ची को बचा सकते हैं। बट द बॉय इज स्टिल ऑन वेंटिलेटर। अब उसके पास कितना समय है डॉक्टर? देखो, हम लोगों को दुआओं का झांसा दे सकते हैं, लेकिन खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते ना। अगर हमें ऐसा करना है तो इमीडिएटली ऐसा करना ही होगा। बच्ची का बीपी लगातार लो हो रहा है, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। जो भी एक्शन लेना है हमें जल्द से जल्द लेना होगा। हो सकता है एक मौत से किसी को जिंदगी मिल जाए, और फिर उस बच्ची के पास तो अभी पूरी जिंदगी बची है, और हम जिसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं उसकी मौत आनी तय है। ये अनह्यूमन है, हमें इस पे सोचना चाहिए। थैंक्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम इस तरह से चुप क्यों बैठे हुए हैं। तुम कुछ कहना चाहती हो? आज नहीं तो कल सबको ये बात पता चल ही जाएगी। अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं क्या कहूंगी? घूरने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? That's enough. मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, यही ना कि मेरा बेटा बचने की पोजीशन में नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट। किसी और को बचाने के लिए आप मेरे बेटे की बलि देने की बात कर रहे हैं। ईश्वर विनायक, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। आज मैं तेरे इलाके में तेरी कब्र बनाऊंगा और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू जहां भाग सकता है भाग ले। हेलो, क्या हुआ? ओके, आई एम स्टार्टिंग नाउ। एक कैमरामैन हरी से कहो वहां जल्दी से पहुंचे। मैंने रिया को कुछ महीने पहले पहली बार देखा था। ट्रेन में ऐसे नेट प्रोग्राम में प्रोड्यूसर हुआ करता था। वो दिन था जब मैं सुपरस्टार सिद्धार्थ शंकर का इंटरव्यू लेने गया था। One second. शशि, ये लो। ओके सर। लाइटिंग हो गई क्या? यस सर, रेडी। ओके। स्टडी। ऐसे बेटा। सच कहूं तो ओनम मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। उस दिन मेरी यही कोशिश होती है कि उस दिन मैं अपने परिवार के साथ रहूं, उनके साथ कुछ पल बिताऊं।
पर कई बार ऐसा होता है कि जो मैं चाहता हूँ मैं उसे पूरा नहीं कर पाता। वैसे एक बात है, मुझे कुकिंग पसंद है, उसमें मैं अपनी बीवी की हेल्प करता हूँ। तरह तरह की डिशेज अपने परिवार के साथ बनाकर खाना अच्छा लगता है। कहा जाता है सेलिब्रिटी अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है क्या सर? नहीं, मैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर करता हूँ और वो भी मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। घर में मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं वहाँ एक पति और बाप हूँ। कैमरा कट। शशि, प्लीज पूछिए ना। ओके, कैमरा रोल। क्या मैं ऐसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? आपने मेरे सभी सवालों का सही जवाब दिया, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बेटी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? हाँ बिल्कुल, वो मैं हूँ। आपकी बेटी का पसंदीदा टीचर कौन है? कैमरा कट। रिया, हु इज योर फेवरेट टीचर? एलिजाबेथ मैम। हाँ, कैमरा रोल। रोलिंग सर। वो है एलिजाबेथ मैम। जब वो स्कूल से लौटती है तो अक्सर उनकी बातें करती रहती है। शी इज अ ब्रिलियंट टीचर, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स का हर मामले में ख्याल रखती है। उन सवालों में काफी सारे सवाल बड़े अजीब थे, पर पता नहीं क्यों मैं उस लड़की के भरोसे को सवालों में बदलना नहीं चाहता था। आज फिर से वो मेरे सामने होगी, एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है जो कोई भी जर्नलिस्ट दरकिनार नहीं कर सकता। एक लड़का जो आज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और एक लड़की जिसके सामने जिंदगी है। उस लड़के की मौत नहीं हुई है, बट इस कंडीशन इज वेरी बैड, कभी भी उसकी मौत हो सकती है। हार्ट निकालते समय ही हैज टू बी अलाइव। अगर उसकी मौत हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ यही नहीं, लेट मी बी फ्रैंक, प्रिया की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। बीपी और सांस लेने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। हम बस 3-4 घंटे और इंतजार कर सकते हैं, यही मैक्सिमम समय है, और इसी समय में प्रिया की बॉडी में हमें एक नया हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। प्रॉब्लम यह है कि उस लड़के के माता पिता इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरे बारे में बता दिया उन्हें? मैथ्यू, कॉल द सीएम्स ऑफिस अर्जेंटली। सर? सर वो कोशिश कर रहे हैं पर अभी वो दिल्ली में है। लेकिन सर लड़के के पेरेंट्स से डायरेक्टली बात करने पे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, एक्चुअली सर सुबह 7:30 और 9:30 की फ्लाइट है, लेकिन उसमें अवेलेबल नहीं है सीट्स। नेक्स्ट फ्लाइट रात के 9:30 की है और वही अवेलेबल है। जल्दी से हेलीकॉप्टर अवेलेबल करो प्लीज, फास्ट। ओके। जब ग्रीन सिग्नल हुआ तो मैंने बाइक को आगे बढ़ाया, उसके बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। सिस्टर, हम सिर्फ पेशेंट के पेरेंट्स को ही अलाउ कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। सिर्फ 2 मिनट? अब हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमें बस उसे देखना है। पर हम सिर्फ एक ही आदमी को अंदर जाने दे सकते हैं। भाई तुम चले जाओ। नहीं। अदिति, कोई एक ही अंदर जा सकता है, चलो। जाओ।
मरीना जस्ट कम हियर। क्या हुआ? रेट नीचे गिर रहा है, मैं बीपी चेक करती हूँ। ओके। कॉल द डॉक्टर। हाँ। जल्दी से इमरजेंसी रेडी करो। यस डॉक्टर। We are trying our best. Doctor, par... Hey, doctor, please. You know how it is. जेम्स जोसेफ एमपी। आई एम सॉरी, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूं, पर इतना तो है, ऐसी परिस्थिति में धैर्य रखना इतना आसान नहीं होता। अहिल्या हॉस्पिटल से मेरे पास फोन आया था, वो कह रहे थे कि मिस्टर सिद्धार्थ शंकर की एक्सक्यूज मी सर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ही वांट्स टू टॉक टू यू। हेलो। लुक मिस्टर कलेक्टर, आपने और कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि मेरा बेटा नहीं बचेगा, पर मेरे लिए वो मेरा बेटा है जो अभी तक जिंदा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मींस। Yes, sir. I understand. Thank you for everything. मुझे उसकी माँ से बात करनी है। टॉकिंग पॉइंट पर आज हमारे प्रोग्राम पर कुछ खास गेस्ट मौजूद हैं। मिस्टर महादेवन, इंस्पेक्टर किरण, राममूर्ति, डॉक्टर महेंद्रन और फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार मिस्टर सिद्धार्थ। देयर इज अ लॉट टू टॉक, लॉट टू नो। वेलकम टू द स्लो शो। शो में हर बार शो की जगह स्लो क्यों बोल देता हूं? ये उसका सपना था। वो एक बहुत ही काबिल जर्नलिस्ट बनना चाहता था, एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसे दुनिया याद रखे। वो अपने सपनों के पीछे पागल था और एक दिन
सिग्नल तोड़ के आती हुई ये कार उसके सपने और ख्वाहिशों का खून कर दिया। अगर मैंने अगर थोड़ा ध्यान दिया होता तो वो हमारे पे। इस एक्सीडेंट ने रेहान की आत्मा को चोट पहुंचाई है। मंजिल पर पहुंचते पहुंचते उसके साथ ऐसा हो गया। अब हमें कुछ करना है जिससे लोग उसे लंबे समय तक याद रखें। राजीव, इसके लिए हमें उसके पेरेंट्स से बात करनी होगी। Let us give him the best goodbye gift. गुड न्यूज, रेहान के पेरेंट्स मान गए हैं। ट्रैवल अरेंजमेंट आप कैसे करेंगे, फ्लाइट या चॉपर? कोचिन से तो फ्लाइट है नहीं, अगर चाहिए तो उसके लिए 4 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। वेदर प्रॉब्लम है इसलिए अरेंज नहीं हो पाएगा। पर हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बाय रोड। सर, मैथ्यू जी इंतजार कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हम लोग कब निकलेंगे। कोची से पालकड़ सिर्फ 2 घंटे में। सर, रबिश, कहने से पहले ये लोग सोचते नहीं। सर, अगर आप लोग कहते तो मैं वहीं आ जाता। टेल मी नासिर, व्हाट नेक्स्ट? इट्स इम्पॉसिबल सर। No way, it should be made possible by hook or crook. 180 किलोमीटर की दूरी है सर, which means we have to move at 100 किलोमीटर पर आवर। हाईवे इज ओके, पर कुछ बड़े जिले से होकर हमें जाना होगा, जहां बीच में कुछ टाउन भी हैं। उस जगह पर हम 6 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं जा सकते। Moreover, it's a working day. अगर कहीं 5 मिनट भी ट्रैफिक लग गई तो सारी मेहनत बेकार। ये हमें पता है, इसीलिए तो हम उस हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से बिल्कुल नहीं जा रहे। हमें एक एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए जो हर सिचुएशन में कूल हो, इसीलिए हम पुलिस का सहयोग ले रहे हैं। अभी चेन्नई में ऐसी एक घटना हुई थी, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थी और वो सफल भी हुआ। They have done it very successfully. Yes, I know that. पर उनके पास प्लानिंग करने का बहुत समय था, और वैसे भी चेन्नई की रोड और केरला की रोड में बहुत फर्क है। लेकिन एक बार कोशिश तो करो नासिर, अगर फेल भी होंगे तो भी कोशिश करनी चाहिए। मैं रेडी हूँ सर, लेकिन हम जिन जिन रास्तों से होकर जाएंगे उन सारे रास्तों पर ऑफिस आवर्स होगा, रोड पर भीड़ होगी और बच्चे भी स्कूल से निकल रहे होंगे। इफ यू गिव अस ऑर्डर वी विल मूव, पर ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। मैं ऐसे रिस्की मिशन की जिम्मेदारी तो बिल्कुल नहीं ले सकता सर, पर मामला जिंदगी का है, आई अग्री। पर जितनी कीमत अंदर बैठे लोगों की है, उतनी ही कीमत सड़क पर चलते लोगों की भी है। लेट्स ड्रॉप इट सर, इट्स अ टू डेंजरस गेम। पालकड़ क्रॉस करने के बाद प्रॉब्लम कम होगी, बाकी हम संभाल लेंगे। हॉस्पिटल से मिलती हर रोड को ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद ही अपना सफर शुरू करेंगे। कमिश्नर सर भी इससे पीछे हट रहे हैं सर। But we don't have time to lose. हमें मिनिस्ट्री लेवल पे दबाव बनाना चाहिए। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, कलेक्टर साहब के हाथ से ऊपर है समस्या, यही तो अभी प्रॉब्लम है। पर कमिश्नर साहब थोड़ा घबरा रहे हैं। उस कमिश्नर का नाम क्या है? अजमल नासिर। उससे पूछो उसे क्या चाहिए। मैंने ये भी करके देख लिया। तो डिमांड और बढ़ाओ, उससे कहो हम 10 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। सब कुछ करके देख लिया पर कुछ काम नहीं कर रहा। यू कॉल अप योर कोचिन ब्रांच राइट नाउ, नाउ एंड टेल देम दैट आई विल गो टू द मीडिया। ये अजमल नासिर चाहे जो भी हो, मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर सर। मुझे बस अपनी बेटी को जिंदा देखना है। शांत हो जाइए। वो मुझे जानता नहीं है। शांत हो जाइए प्लीज सिद्धू, प्लीज ये समय गुस्सा करने का नहीं है, हमें शांति से कुछ सोचना होगा। आप जैसा चाहते हैं हम आपके कहने पर ही काम कर रहे हैं, पर अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर से हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने इमीडिएटली बुलाया है। Yes. I'm calling from Lifeshare Hospital, sir. The chairman wants to speak to you. Dr. Simon D'Souza. Good afternoon, sir. Thomas here. Good afternoon. क्या हुआ? All set? थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है सर, यहाँ के कमिश्नर कह रहे हैं कि बाय रोड वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं है सर। The heart will reach you and it will reach you by road. You start your preparation. ये मैं कह रहा हूँ थॉमस, just trust me. Yes doctor, what can I do for you? अपना resignation letter लिख के तैयार रखो और उसे अपनी टेबल पर रखकर कोई और रास्ता निकालो। That's what you can do for me. Is this a joke? Yes, it's a big joke. डोनर इज रेडी, रेसिपियंट इज वेटिंग। हमें ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है, सर्जरी करने के लिए डॉक्टर्स भी तैयार हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं, इससे बड़ा जोकर क्या हो सकता है। यहाँ हर मिनट 75 गाड़ियाँ रोड से निकलती हैं सर, 3 बड़े शहर हमारे रास्ते में पड़ेंगे जो वन में है। वहाँ 50 ट्रैफिक सिग्नल है जिसे 40 पुलिस वाले कंट्रोल करते हैं, और तो और इसके अलावा 100 से भी ज्यादा स्कूल के बच्चे उसी रोड से अपने घर निकलते हैं। डॉक्टर देखिए, इतना ओवर रिएक्ट होने से पहले सारी बातें अच्छे से समझ लीजिए, सो प्लीज। बिना ये जाने कि कौन सी दवा पेशेंट पे काम करेगी, डॉक्टर कभी एडवाइस नहीं देता। एक छोटी सी गलत दवा किसी भी तरह का डैमेज कर सकता है।
यहाँ तक कि किडनी, लीवर और शरीर का कोई भी ऑर्गन, इसकी वजह से फेल्योर हो सकता है। यह हो सकता है कि उसे हार्ट अटैक ही आ जाए, हार्ट रिदम प्रॉब्लम हो सकती है और मरीज के साथ कुछ भी हो सकता है। बेहतर यह है कि इस बात पर बहस करने के बजाय हमें जल्द से जल्द इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। परेशानियां तो आती रहती हैं कमिश्नर, लेकिन इन परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी पुलिस फोर्स की ही तो होती है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बायरोड सफर बहुत आसान होगा, लेकिन इस नामुमकिन को आप लोग मुमकिन भी बना सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल के पास अच्छे एम्बुलेंस और ड्राइवर्स भी हैं, वो किस दिन काम आएंगे। लुक डॉक्टर, मेरे ऊपर आपको कन्विंस करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा तो कहना भी मत। आपको तो पता है ना, मंत्रियों की सुरक्षा में पूरा शहर खाली करवा देते। उस हिसाब से ये जो काम है, ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है कमिश्नर। और इस बार तो जनता को परेशान करके किसी की जिंदगी बचाने का सवाल है। लुक, आपको यह रविश लगता होगा कमिश्नर, बिफोर यू मेक एनी डिसीजन रिमेम्बर समथिंग, अगर आप नो करने वाले हैं तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, हर दिन की तरह इस दिन को लोग भूल जाएंगे। लेकिन यदि आपने यस कहा तो हो सकता है कि आज का दिन लोगों के जहन में एक इतिहास बनकर रह जाएगा, और ये आपके लिए बहुत गर्व की बात साबित हो सकती है कमिश्नर। इमरजेंसी मीटिंग इन 20 मिनट्स, मिनिस्टर के सारे पायलट से लेकर पुलिस एस्कॉर्ट सबको बुलाओ, ये मिशन हम शुरू करेंगे ऑन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सौ 180 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे, स्टार्टिंग पॉइंट लेक्चर हॉस्पिटल एर्नाकुलम, डेस्टिनेशन पालकर अहिल्या हॉस्पिटल। हमें कोई हॉल्ट नहीं लेना है, एक सेकंड का रिलैक्स भी लोग नहीं कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस जर्नी थ्रू आउट। जब हम मिनिस्टर्स के लिए ऐसा मिशन करते हैं, ये उससे 10-20 गुना ज्यादा रिस्क से भरा हुआ होगा। हमें ये इन्फॉर्मेशन आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में पहुंचानी होगी, वहां हर पॉइंट पर ट्रैफिक कंट्रोल का अरेंजमेंट हमें करना होगा। अगर आप लोगों में से सभी इस मिशन के लिए रेडी हैं, तो हम आधे घंटे में ये मिशन शुरू कर सकते हैं। बट सर, इतनी दूरी और वो भी सिर्फ 2 घंटों में, ये बहुत ही मुश्किल लक्ष्य है सर। पर सर, इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना सारा ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि कुछ गाड़ियों को स्टॉप किया जा सकता है, और उस वक्त बहुत बिजी ट्रैफिक होगा। अगर हम ब्लॉक करेंगे तो बहुत सीरियस ट्रैफिक जाम होने की संभावना बढ़ जाएगी, और ये भी हो सकता है सर कि उस टाइम कुछ इमरजेंसी की गाड़ियां वहां से निकलें। इतना ही नहीं सर, जो लोग ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करते, उन्हें समझाने का वक्त भी हमारे पास नहीं है। वो सब छोड़िए, ये सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। जो भी इस मिशन में आना चाहता है, उसे मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखना ही होगा। हर मोड़ पर आपको विश्वास करना होगा। लेकिन सर, अब आर्ग्यूमेंट्स करने का कोई वक्त नहीं है। अगर आपने नो कह दिया तो यहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा, हर दिन की तरह लोग इस दिन को भी भूल जाएंगे। पर अगर आपने यस कह दिया तो यह एक इतिहास बन जाएगा, एक ऐसा इतिहास जो आपको इतनी हिम्मत देगा कि आप सीना ठोक कर किसी को बता सकते हो। अगर कोई मेरे साथ यस कहता है तो कृष्ण वहां होंगे तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। भले ही इसे इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला हो, अगर आप कहें तो ये ज्वाइन कर लें, और आप मना करेंगे तो ये बेचारी दुखी होगी। मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, पैदल चली जाऊंगी, सौम्य और मीरा साथ में हैं। Get ready for the surgery and be at the operation theater in 10 minutes. सभी नर्सेस को तैयारी करने को कहो अभी। ओके डॉक्टर। कुछ लोग छुट्टी पर हैं, मुझे पता है, लेकिन उन्हें भी Thank you.
कहीं घूम कर आते हैं, ड्राइव पर चलते हैं, आओ चलो। सुदेवन सर, द वैन इज रेडी। सबसे पहले तुम निकलो लेक्चर हॉस्पिटल की तरफ। सर्जरी 10 मिनट में शुरू हो जाएगी। वहां की सारी अरेंजमेंट हॉस्पिटल का स्टाफ कर रहे हैं। सो बाय द टाइम यू गेट देयर एवरीथिंग विल बी रेडी। अगर 2 बजे तक यहां से सफर स्टार्ट करोगे तो 4 बजे पालकड़ पहुंच सकते हो। यू विल गेट माय मैसेजेस टू रिपीट द स्टेशंस। सुदेवन, दिस इज द रूट मैप। स्ट्रेट रोड पर और हाईवेज पर मैक्सिमम स्पीड। सिटीज, टाउन और जंक्शन पर तुम्हें थोड़ा स्लो चलना होगा, करीब 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये पहले 25 किलोमीटर हमारे लिए क्रूशियल है, जो कि एक स्ट्रेट रोड है। दूसरी गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए फोर्स वहां पर रहेगी। वो 25 किलोमीटर तुम्हें मैक्सिमम 15 मिनट में पार करना है। उसके बाद 2 भीड़ वाले चौराहे मिलेंगे। जितना वक्त तुम उन 25 किलोमीटर में बचाओगे, उतना वक्त तुम्हें यहां कवर करेगा। विच मींस पहले 25 किलोमीटर में तुम्हारी स्पीड कम से कम 125 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इस सफर में तुम्हारे साथ 2 लोग और होंगे। पहले एक कार्डियक सर्जन डॉक्टर बिनॉय जोसेफ। सॉरी डॉक्टर, मैं नहीं जा सकता। मुझे लगा हेलीकॉप्टर से जाएंगे इसलिए मैंने हाँ कहा, पर रोड से बहुत रिस्की होगा इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। दूसरा राजीव, रेहान का फ्रेंड। सर्जरी हो चुकी है, रेहान अब नहीं रहा। इस सफर में तुम्हारे साथ हूं। Now it's up to you, Sudevan. Go and make this a success. हेलो। थोड़ी देर के लिए मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा, कोई इमरजेंसी ड्यूटी आ गई है। कोची में ही ना? नहीं, मुझे पलक्कड़ जाना होगा। एस्कॉर्ट में? नहीं। फिर? एक ऐसी ड्यूटी जिसे पता नहीं मैं निभा पाऊंगा या नहीं। आज तक डिपार्टमेंट में और बाहर मेरे बारे में लोग ये जानते हैं कि मैं एक रिश्वतखोर कांस्टेबल हूं। इस ड्यूटी से अपने ऊपर लगा ये कलंक मैं मिटा दूंगा। चलता हूं, मैं शाम तक घर आता हूं। राजीव। एबल। सुदेवन। बात है कि ट्रैफिक कांस्टेबल सुदेवन को यह जिम्मेदारी दी गई है, जो कभी मंत्रियों की गाड़ियों की जिम्मेदारी संभाला करते थे। Thank you.
जस्ट अबाउट 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, 22 किलोमीटर कवर हो गए हैं सर। ब्रिलियंट, दैट मींस हम 2 मिनट अपने एक्सपेक्टेड टाइम से पहले हैं। कीप गोइंग, यू आर डूइंग ग्रेट। सर गाड़ी आ रही है। पासिंग सर। हाँ मैथ्यू। ओके थैंक यू, जरा खबर देते रहना सर। हाँ सो फार सो गुड, वो 25 किलोमीटर आगे निकल चुका है। पेशेंट के कपड़े हैं सर। दो मिनट में वहां पहुंच जाएगी। ओके, वी आर ऑल सेट हियर। रोड्स आर ब्लॉक्ड एंड पासेस आर क्लियर। समीर, तुम यहां का पूरा ध्यान रखना। एंड इट विल बी मेकिंग थ्रू दैट रोड ओनली। शशि, तुम रोड से साइड ट्रैफिक को क्लियर करोगे। सिर्फ 2 मिनट के अंदर वैन यहां से क्रॉस करेगी। इसकी वजह से आम लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने पूरे रास्ते को अपने कब्जे में कर रखा है। बादशाह, वो लोग पहुंच रहे हैं सर। द रोड इज क्लियर। ओके गुड सुदेवन, रोड क्लियर है। Same speed, don't slow down. Sudevan, can you hear me? Sudevan, ये connection को क्या हुआ? You check it. You try another frequency. हाँ श्याम, we are waiting sir. वो पहुँचा नहीं? No sir. Hey, what's happening? No response sir. भाई जल्दी करो ना, कितना देर हो रहा है। आप जाकर बैठिए, प्लीज कंट्रोल ओवर देयर। आप लोग जाइए, हां ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। प्लीज क्लियर मत क्रिएट कीजिए। प्लीज आप लोग जाइए, रोड खाली कीजिए। इट्स इमरजेंसी, प्लीज प्लीज आप लोग की कोशिश कीजिए। आपको कोऑपरेट करना होगा सर। वो अभी तक आए नहीं है और यहाँ पे पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आई डाउट उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। क्यों ना हम लोग वहाँ पर जाएं सर। ओके देखो, अगर वो मिशन पर जा रहे हैं तो उन्हें रोकना मत। ओके नहीं, उनको ये सीधा रास्ता छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। नो लक सर, द वैन इज मिसिंग। व्हाट? द वैन इज मिसिंग सर। खबर मिली है कि हाईवे से आ रही वैन लापता हो गई है। ये पुलिस के लिए भी शॉकिंग न्यूज है। पुलिस की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि पहले उस पुलिस वैन को ढूंढे। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सिद्धु के साथ मैं रामकुमार, आज तक इंडिया। तुम जा रही हो? हाफ डे लिया है मैंने। तुम्हारी बहन? वो निकल गई है। ट्रिप कहाँ जा रहा है? मुंबई, एक स्टूडियो कॉन्फ्रेंस में। ओह ओके। मेरा फ्रेंड है रेहान। ओके टोनी, मारिया फिफ्थ फ्लोर ऑफिस में है। हेलो हेलो, पढ़ाई करते हो? नहीं, इंडिया विजन। ओ एक्चुअली आज इसका फर्स्ट डे है। ओह ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Okay, see you. Bye. चलो चलता हूँ। मैंने इस लड़के को कहीं और भी देखा है। पहुँच कर मैं फोन करूँगा। ओके हाँ। जब मैंने इसे उस दिन देखा तो ऐसा कुछ नहीं लगा, पर आज कुछ डाउट हो रहा है। सही कहा। ओके ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। एकदम, तुम दोनों सही जा रहे हो भाई।
बाय बाय। ओके, मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। या कैच यू। हो सकता है कॉन्फ्रेंस आज के लिए पोस्टपोन्ड हो जाए। ये हमेशा से ऐसे होता रहा है। उन्हें साउथ ब्रांच से कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि हमें ही प्रेजेंटेशन देना होगा। क्या हम ये कर पाएंगे बताओ? एक सेकंड। ऑपोजिशन का कहना है कि मंत्री डायरेक्ट गुंडों की मदद कर रहे हैं। मंत्री ने इस बात को झूठा ठहराया है, लेकिन गुंडे तो इस वक्त भी धरती से शहर में घूम रहे हैं। अगर सच में मंत्रियों का इन गुंडों से डायरेक्ट कनेक्शन है, व्हाट द हेल इज दिस लिंकाशी? पॉलिटिकल स्टेटस को हम बार बार क्यों सुनाए जा रहे हैं? नहीं मरियम, आजकल इन गुंडों का उत्पात कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे। हमें कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, ये काम जर्नलिस्ट लोगों का है। हमारा काम है सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना और कुछ नहीं। अब ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, जाओ और उन्हें रोको नाउ। पिछली मीटिंग में मैंने इन्हें साफ साफ समझाया था। तो चलाने दो, प्रॉब्लम क्या है? नहीं तुम देखना, अभी ही फोन आने शुरू हो जाएंगे। अरे गाड़ी पीछे करो ना। क्या हुआ? अरे एक कार वाले ने बाइक वाले को टक्कर मार दी है, पीछे जाओ वरना फंस जाओगे। उन लफंगों को देखकर मैं समझ गई थी कुछ गड़बड़ है। हाँ, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ए, चलो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। अरे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, कहीं मर ना जाए, जल्दी करो। वेलकम बैक टू क्लब FM, और अब हम आपको सुनाएंगे सुपरहिट फिल्म्स के सुपरहिट सॉन्ग्स। टाइम हो रहा है 2:25, और अब पेश है लिस्ट का नंबर 1 सॉन्ग। मैम, उस आदमी की रिपोर्ट है। शाजी ने कहा है कि इसे चेक करके फीडबैक दे दीजिए। ओके। नाइस शर्ट मैम। थैंक्स। लुक्स कूल। Alex, can you hear me? I can hear, sir. Okay. हमारे लोग शहर के हर कोने में होने चाहिए, और जो भी गाड़ी सस्पेक्ट लगे सभी को चेक करना। No luck, sir. वैन के वायरलेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जब वैन यहाँ से निकली तो कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट थी। सर्वर शेक हो रहा है, लाइक एन एक्सीडेंट, या फिर उन लोगों ने जानबूझ के कनेक्शन को कट कर दिया है। और किसी गड़बड़ी का कोई चांस नहीं है सर। सर, नाउ द प्रॉब्लम इज, हमारे मिशन को अब देर हो रही है। इट्स ऑलरेडी 2:40। एक एक पल इस मिशन को नामुमकिन की ओर ले जा रहा है सर। अभी इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वैन के मिसिंग होने से मिशन डिले हो रहा है। ही इज राइट सर, अगर हमने वैन ढूंढ भी लिया तो भी ये मिशन पूरा नहीं हो पाएगा सर। फेलियर मतलब हम हार गए। देखो याद रखना, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। सर, मोबाइल कंपनी से मैसेज आया है, वैन के अंदर मौजूद तीनों फोन स्विच्ड ऑफ है, सो वो लोग भी लोकेशन नहीं ट्रैक कर सकते हैं। इस बीच उन नंबर से कोई कॉल नहीं किए गए, पर उन नंबर्स पर बाहर से 2 मैसेजेस आए हैं। सर, हमें नंबर्स मिल गए हैं। मैसेज कविता टावर के आसपास से किया गया था, और अभी ये नंबर वेंकट टावर की तरफ मूव कर रहा है सर। इट मींस इट्स वर्किंग सर। गेट मी बोथ नंबर्स एंड डिटेल्स, जो नंबर स्विच ऑन हुआ और जिस नंबर पर मैसेज आया, दोनों। इट्स राइट हियर सर। कौन सा? देखिए सर, श्रीराम स्टेशन में है? नहीं सर, मैं बाहर हूँ। तुम ईश्वर नगर में हो? हाँ सर। ओके गुड, एक नंबर नोट करो सर। हेलो, अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तो अपनी गाड़ी रोक दो। हेलो हेलो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अभी इस वक्त कहाँ हो, कौन से ट्रैफिक सिग्नल पर हो? कौन से डायरेक्शन में तुम्हारी गाड़ी है? अरे कितना ट्रैफिक हो रहा है यार, क्या बात। मैं अभी यहीं पर हूँ, भागने की कोशिश मत करना। कौन सी कार है? तुम कार से अभी बाहर निकलो। मैं आपके पीछे हूँ सर। योर मोबाइल प्लीज।
रोज उसका नाटक है। अभी आपने किसे मैसेज किया? अपने भाई को। प्लीज गायत्री, हमें थोड़ा जल्दी मिलना चाहिए, एक बार मिलो तो सही, एक दो घंटे के अंदर ही फ्री हो जाएंगे। स्टार्टर्स के लिए अभी टाइम नहीं है, तुम्हें कम से कम मुझे 5 कोर्स खिलाना पड़ेगा। नहीं तो एक काम करते हैं। रुको जस्ट सेकंड, लेट मी गो एंड सी। हेलो, मैं जीतू का फ्रेंड हूँ, वो अभी अभी गाड़ी से बाहर गया है, मैं उसे बोलता हूँ कॉल बैक करने के लिए। हेलो, रात को किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। छोड़ो ना। The hottest woman in Kochi। जब तुम उससे मिलोगे तब पता चलेगा। गायत्री, मैं भी अपने एक फ्रेंड के साथ हूँ। मैंने बताया था ना, डॉक्टर एबल। हाँ हाँ, कल हम मिलते हैं ना। तुम मेरे साथ जैसा करोगी मैं वैसा ही करूँगा। अरे अगर वो सुन भी रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है वो। हमें जल्दी ही रेहान का ऑपरेशन करना होगा। Yes, we are going for the heart transplant. Get ready for the surgery and be at the operation theater in 10 minutes.
डॉक्टर श्रीधर पेशेंट को थिएटर में लेकर के आएंगे। ओके डॉक्टर। मुझे पता है आज वो छुट्टी पर हैं, लेकिन प्लीज उन्हें बुलाइए। एबल, सर्जरी हो चुकी है 5 मिनट पहले ही। उस पालकड़ वाली लड़की की हालत बहुत ही खराब है, मैंने वहाँ के डॉक्टर से बात की है। सर, पुलिस व्हीकल बस निकल चुकी है। गुड, बिनॉय गेट रेडी टू गो। सॉरी डॉक्टर, मैं नहीं जा सकता। हा? मुझे लगा हेलीकॉप्टर से जाएंगे इसलिए मैंने हाँ कहा, पर रोड से बहुत रिस्की होगा इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। अब लास्ट मिनट में ये सब बोल रहे, हमें 1:30 बजे तक सर्जरी शुरू करनी है, अब कैसे ऐसा होगा? तुम भी एबल, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? राजीव, सुदेवन, एबल, सुनो डॉक्टर, एबल की वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी आईसीयू में है। अभी उसे कुछ भी मत बताना और तुम उसे अगले स्टेशन पर छोड़ देना, वहां से हम दूसरा डॉक्टर अरेंज कर देंगे। ओके सर। नाउ यू कैन स्विच ऑफ। काम करो कि तुम अपने ऑफिस वाले स्टेशन पर मिलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं वहीं मिलूंगा। सी यू, बाय। टर्न द वेहिकल। मैं कह रहा हूं गाड़ी घुमाओ यहां से। पुलिस वालों ने हर उस जगह पर नाकाबंदी लगा दी है जहां वैन के मिसिंग होने के चांसेस हैं। अब वो यही सोच रहे हैं कि कैसे वैन तक पहुंचा जाए। जो वैन एकदम सही वक्त पे जा रही थी वो अब सफर के आधे रास्ते पर गायब हो गई है। अब पुलिस आगे क्या करती है ये एक सवाल बना हुआ है, इसलिए एक ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। वो अगर टाइम पर नहीं आए तो ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर प्लीज। अच्छा सुनो, कोचिन में कॉल करके वहाँ पूछो क्या हो रहा है। हमें ये भी जानना चाहिए कि पुलिस इसमें क्या करने वाली है, अगर हम भी उन पर थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो काम जल्दी हो सकता है। सिद्धू तुम उनसे बात करो। वैन के सारे नंबर स्विच ऑफ हैं सर, हम उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक नंबर थोड़ी देर पहले ऑन हुआ था पर बाकी दोनों नंबर स्विच ऑफ। हाँ मैथ्यूज, वैन में मौजूद 2 नंबर्स पर मैसेज आए, हम उन्हें ट्रेस कर रहे हैं, डिटेल मिल जाएंगे तो कॉल करेंगे। ओके, प्लीज रिसीव योर नंबर, इट्स राइट हियर सर। वेयर? ये देखिए, डॉक्टर एबल थरियन। सर,
नहीं, रुक जा, मैं तो चाबी फेंक दूंगा। हेलो मरियम, मैं यहाँ पे पलकड़ के फॉरेस्ट एरिया में हूँ। बात क्या है? आई थिंक आई किल्ड श्वेता। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बट इट हैपेंड। वो मुझे धोखा दे रही थी, वो चिकू था, माय बेस्ट। तुमने ऐसा क्यों किया? आई हिट हर विद अ कार। आई डोंट नो मारिया, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। मरियम, 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 मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ मरियम। वेट, आई रीच्ड देयर इन 15 मिनट्स। So we can confirm it, sir. इसी ने हाईवे से वैन का रास्ता मोड़ा होगा, मुझे पूरा यकीन है। जेम्स, कॉल करके मुझे बताओ, विष्णु वहीं पर है, वो पहुंच रहा होगा। ओके सर, 10 मिनट में विष्णु अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाएगा सर। प्लीज कम। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। द नंबर यू आर ट्राइंग फोर नहीं लग रहा। एक बार और ट्राई करो ना। नहीं नहीं, नहीं। डॉक्टर प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हेलो हेलो, मैं सिद्धार्थ शंकर बोल रहा हूँ, प्रिया मेरी बेटी है, प्लीज डोंट कट द कॉल। देखो डॉक्टर, मैंने वही किया जैसा डॉक्टर ने मुझे करने के लिए कहा था। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो मैं सब करके दूंगा, आई हैव कनेक्शंस। आपके रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। I will save you. I can promise you that. Hello? Hello? See, doctor, I can assure you that. Doctor, please, try to understand me. Now you listen carefully. मुझे नहीं बताया कि आपकी समस्या क्या है और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए। उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना आप और ना आपकी समस्या। पिछले 13 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छी जिंदगी जिए। मुझे आपकी समस्या से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप और आपकी समस्या आज मेरे और मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर रह गई है, समझ रहे? Do you hear that? क्या आपकी समस्या एक माँ के 13 साल के इंतजार से बड़ी है? जाओ जाओ। जिस लड़की को इसने फोन किया था वो नहीं आने वाली, उसके बजाय यहां पुलिस आने वाली है, मुझे पता है। वो अभी प्रॉब्लम में है, आगे क्या होगा ये ना सोचते हुए हमें इसे एक मौका देना चाहिए। ये फैसला हमें ही लेना होगा। सुदेवन, सुदेवन, टेल मी। हमने सफर शुरू कर दिया है, रास्ते में कीचड़ बहुत था। अब हमें इन 80 किलोमीटर को तेजी से पार करना होगा, पर ये सब हम मेन रोड पर पहुंचकर ही बता पाएंगे। वो डॉक्टर कहाँ है? वो हमारे साथ है। What? सुदेवन, for God's sake, listen। हम किसी दूसरे डॉक्टर को अरेंज करते हैं।
वो तुम्हें त्रिचुर में मिल जाएगा। डॉक्टर एबल को तुम डॉक्टर एबल की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ सर, इस मिशन में वो हमारे साथ है इतना काफी है। कम ऑन सुदेवन, ही इज अ क्रिमिनल। मैं उसके साथ इस मिशन को अलाउ नहीं कर सकता। जल्दी से जल्दी तुम मेन रोड पर पहुंचो। तुम्हें उसे हमारी कस्टडी में देना ही होगा, हमारे लोग तुम्हें वहीं मिलेंगे। डू यू गेट मी? मिशन पूरा होने के बाद मैं खुद उसे आपके हवाले कर दूंगा सर, आप ये जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए सर। सुदेवन, आई डोंट नो व्हाई यू डूइंग दिस, पर अब हमारे पास वक्त नहीं है। उन 20 मिनट की कीमत हमें अब चुकानी होगी। अगर अगले 15 मिनट में तुम त्रिचुर नहीं पहुंचे तो ये मिशन हमें मजबूरन रोकना ही होगा। अगर वहां पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी स्पीड 100 से ऊपर रखनी होगी, और हम इतना बड़ा रिस्क उस क्रिमिनल के साथ नहीं ले सकते। इस मिशन के लिए अगर आपने मुझ पर भरोसा किया है तो आगे भी मुझ पर भरोसा रखिए सर। ओ सुदेवन, प्लीज ट्रस्ट, मेरा विश्वास कीजिए। व्हाट अबाउट द वायरलेस? डिस्कनेक्ट हो गया था सर, राजीव कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी हम स्पीकर फोन पर बात कर रहे हैं सर। स्विच इट टू द हैंडफोन। यस सर। आर यू मैड? तुम्हारे साथ एक क्रिमिनल सफर कर रहा है जिसने किसी की जान लेने की कोशिश की। वायरलेस कनेक्ट करने की कोशिश करो। अपना मोबाइल तभी यूज करना जब कुछ जरूरी लगे, और किसी भी वजह से फोन लाउड स्पीकर पर मत रखना, समझ गए? सर। लेफ्ट या राइट? व्हाट्स हैपनिंग सुदेवन? सर अभी मेरे सामने दो रास्ते हैं, लेफ्ट एंड राइट। त्रिशूर के लिए हम कौन सा रास्ता लेंगे सर? वेयर इज दिस रोड? तुम वहां की कोई पहचान बता सकते हो? नहीं सर, यहाँ ना कोई आदमी है और ना कोई गाड़ी। सर अगर ज्योग्राफी के हिसाब से चले तो हमें क्या? तुमने अभी वैन को रोक रखा है? हाँ सर। अच्छा देखो, तुम्हें वहां पर कोई आदमी या कोई साइन बोर्ड नजर आ रहा है क्या? नहीं सर। लेफ्ट जाइए सर, ज्योग्राफी के हिसाब से हमें लेफ्ट जाना चाहिए। सर राजीव कह रहा है कि हमें लेफ्ट जाना चाहिए। नो, बिना जाने किसी भी तरफ मत जाना। सर वो लेफ्ट में ही है, आई एम टेलिंग यू। सर हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसे ही सोचेंगे तो त्रिशूर नहीं पहुंच पाएंगे सर। हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं सर। आप लोगों से विनती है, रास्ता खाली कर दीजिए। एक इमरजेंसी गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है, एम्बुलेंस को ही पास किया जाए। बाकी की गाड़ी स्टेडियम रोड की तरफ इमीडिएटली भेजी जाए। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी 10 मिनट के लिए सहायता करेंगे। अगर वो त्रिशूर पहुँच कर टाइम को कवर कर लेते हैं तो बात बन सकती है सर, पर ये रूट भी उतना आसान नहीं होगा। वी शुड टेक दिस रूट, पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है सर। उस नंबर पर फोन नहीं लग रहा। काफी समय बीत गया, पुलिस वालों ने 15 मिनट से रोड को ब्लॉक करके रखा है। हाँ विष्णु, जहाँ आपने कहा था हम वहाँ पहुँच चुके हैं सर, मुझे लगता है वो। हाँ विष्णु, वो लोग निकल चुके हैं। इट्स ओके, एनीवे थैंक्स। ओके सर। और विष्णु, तुम्हें पक्का यकीन है कि उन लोगों ने तुम्हें क्रॉस नहीं किया अब तक? पक्का कह रहा हूँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हें देखना पाए? नेवर सर, उन लोगों ने हमें क्रॉस नहीं किया, आई एम श्योर। ओके थैंक्स, लगता है वो लोग रास्ता भटक गए हैं। लगता है हम ये नहीं कर सकते। नो सर, हम ये कर सकते हैं सर, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्या वो सच में भटक गए हैं या ये उस डॉक्टर की कोई नई चालबाजी है? सर एटलीस्ट कुछ देर में तो वो लोग रेंज में आ ही जाएंगे। रेंज में आने का भी क्या फायदा, वैसे भी वक्त काफी गुजर चुका है और इस मिशन के लिए हमारे पास सिर्फ एक घंटा बचा है। बैड लक सर, राजीव का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कमिश्नर साहब को फोन करके बता दो हम मेन रोड पर पहुंचने वाले हैं। हाँ। लास्ट आउट गोइंग कॉलोनी का है। नहीं लग रहा है सर। अपने फोन से कॉल करो जल्दी। हाँ। सर रोड ब्लॉक किए हुए हमें काफी देर हो गए, व्हाट शुड वी डू? सर सर हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते सर। जाने दो, The mission is cancelled. Mission cancelled. Roads to be cleared and चलो 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 निकालो, भागो, चलो।
सर। सुदेवन, द मिशन इज कैंसल्ड। सर प्लीज मिशन कैंसिल मत कीजिए, हम मेन रूट पर पहुंचने वाले हैं। कब से वहां पहुंच रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि पहले कंफर्म करो फिर आगे बढ़ो। सर हम पहुंच ही गए हैं, मुझे मेन रोड दिखाई दे रहा है सर। ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर दूर है। प्रवीण, वैन अभी तक नहीं पहुंची सर। प्रवीण, नहीं सर, वैन अभी तक यहाँ से नहीं गुजरी है। प्रवीण, are you sure? I am sure सर। सर इमरजेंसी कॉल है, त्रिवेंद्रम से है सर। हेलो, क्या? हाँ सर, वो वानिंपुरा रोड तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और ये रोड सीधे त्रिचुर से मिलती है। यस, रास्ता गलत पकड़ा पर उनकी मंजिल त्रिचुर ही थी, बट इट्स अ परफेक्ट मिस्टेक। वो लोग 8 किलोमीटर वहां से आगे निकल चुके हैं और हम उन्हें पीछे ढूंढ रहे थे। Which means द मिशन इज ऑन। हेलो 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 मैडम, मिस्टर वेट्री फ्रॉम टाइम्स इज कॉलिंग। वो एम्बुलेंस से कनेक्ट होना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि हार्ट को इस शहर से निकाल सकते हैं। वो ये सिर्फ लोगों की मदद के लिए करना चाहते हैं, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि इसमें मुझे कोई भी एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं दिख रहा था। नो, अगले जिंगल आने तक हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम डिले हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? ओके मैडम। एबल, श्वेता इज आउट ऑफ डेंजर, वो जल्दी ही होश में आ जाएगी। अगले 10 मिनट में वो गाड़ी पहुंच जाएगी। वैन त्रिचूर से पल्लकड़ की तरफ निकल चुकी है। प्लीज उस वैन को रास्ता दे, आपकी मेहरबानी होगी। लगता है अब उस मासूम की जिंदगी बच जाएगी। हमसे जो हो सकता है हमें वो सब करना चाहिए। प्लीज कोऑपरेट करें। यस सर, आ रही है। हेलो, कैन यू हियर मी सर? हेलो हेलो सर, कैन यू हियर मी सर? यस। सुदेवन, 85 किलोमीटर बचे हैं, 45 मिनट बाकी हैं। फोर्सेस अलर्ट, रोड्स ऑल क्लियर्ड, मेंटेन द स्पीड। सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम समय से पहुंच जाएंगे सर। वी आर जस्ट 45 मिनट्स अवे फ्रॉम सक्सेस। बाहर विजिटर्स मिलने के लिए शोर मचा रहे हैं और लॉबी का फोन भी इंगेज जा रहा है। आपने आज सुबह इंटरव्यू दिया था ना? अभी वो पूरा नहीं हुआ था, अभी कुछ बाकी है। इतने समय में उसकी कंडीशन भी सुधर जाएगी। सर्जरी के बाद माँ यहां रहने के लिए आ जाएंगी, उनसे तुम बात कर लो। मैं यहीं रुकता हूं। मैंने मैथ्यूज को बता दिया है कि मेरी मीटिंग्स कैंसिल कर दें। आपके पास अपनी मीटिंग कैंसिल करने का ऑप्शन होगा ना? पर मेरे पास आज कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, पर मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। हेलो, हाँ, ओके। आपके पास टाइम हो तो जरा सोचिए कि आपने अपनी बेटी से कितनी दूरी बनाकर रखी हुई है। कभी आपने अपनी जिंदगी के कुछ पल अपनी बेटी को दिए हैं? जरा सोचिए ना इस बारे में। अगर आप ये कहेंगे कि ये सब आप हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो मैं नहीं मानूंगी। ये सब आप अपनी पहचान, अपने अस्तित्व के लिए, अपने करियर के लिए कर रहे हैं। हम दोनों के लिए फिक्र करना तो बस एक दिखावा है। लेटेस्ट मॉडल के साथ कैलेंडर में आना तो आपका शौक है।
वो सिद्धार्थ शंकर की बेटी है, ऐसा तो वो जरूर कह सकती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा कहने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है। वो आपसे कभी अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर नहीं करेगी। आप कभी एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। बिगेस्ट फेलियर। इस जगह पर उसके बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। देबू, हॉस्पिटल में जो लड़की मौजूद थी उसका नाम क्या है? अदिति। अभी वो कहां पर है? मैं और उसकी माँ अभी अभी घर लौटे हैं। अदिति, क्या तुम थोड़ी देर के लिए आओगी? मैं जरूर आऊंगी। रिया की हार्ट बीट में एबनॉर्मल वेरिएशन है, कंडीशन और खराब होती जा रही है। जल्द से जल्द अगर सर्जरी नहीं की गई तो वी विल लूज हर। या टेल मी, प्रिया की बीपी खतरनाक तरीके से लो हो रही है, पल्स भी वीक है। अगर आप लोग समय पर नहीं पहुंच सकते तो हम उसे वेंटिलेटर पर रख देते हैं। नो, वेंटिलेटर पर रखने के बाद हम उसे बचा नहीं पाएंगे डॉक्टर। टेक हर टू द ऑपरेशन थिएटर। सर्जरी का प्रोसेस आप लोग तुरंत शुरू कीजिए। चेक हर वाइटल साइंस एंड गिव हर एनेस्थेसिया। ट्रस्ट मी डॉक्टर, वी विल बी देयर ऑन टाइम। किलोमीटर बचे हैं और टाइम बचा है 38 मिनट। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग 40 मिनट अभी बचने चाहिए थे। अब ऐसा करने का एक ही रास्ता है, बिलाल कॉलोनी। अगर वो लोग वहां पर 30 मिनट में पहुंच जाते हैं तो बिलाल कॉलोनी के रास्ते से आगे भेजेंगे। ये कॉलोनी एक दरगाह से होकर जाती है, वहां की माइनॉरिटी बहुत स्ट्रांग है। पुलिस का वहां पर जाना आसान बात नहीं है। कुछ साल पहले हम लोग वहां ब्लैक मार्केटिंग का सामान पकड़ने गए थे, जहां उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। अगर इसी स्पीड में वो कॉलोनी क्रॉस कर लेंगे तो मिशन सक्सेस हो सकता है, दैट्स श्योर। पर वो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, बहुत सारे दुकान होंगे, बहुत से कस्टमर्स वहां होंगे। आई रियली डोंट नो। बिलाल कॉलोनी, मुझे वहां का रास्ता पता है। वहां मैं कई बार फॉरनर्स को डीवीडी पहुंचाने गया हूँ, मुझे अच्छे से वो पता है। उस रास्ते से जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है सर। सर, मुझे सिद्धार्थ शंकर के सेक्रेटरी मैथ्यूज का नंबर चाहिए। What? ये क्या कह रहे हो? हाँ सर, मैं आपको बाद में बताता हूँ। प्लीज गिव मी हिज नंबर। रंजीत, बिलाल कॉलोनी के फैन एसोसिएशन के सेक्रेटरी। अरे वो अपना संदीरा है ना।
एक सेकेंड। हेलो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बताइए ना सर। सर हम सब यहाँ हैं सर। जमुना रज्जा बाइक निकालो जल्दी चलो 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 जल्दी। कॉलोनी में घुसते वक्त रोड काफी चौड़ा होगा, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो वो काफी पतला हो जाएगा। मुश्किल से कार जा सकती है। बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं वहाँ काफी बार जा चुका हूँ सर। आई नो द प्लेस वेरी वेल। वहाँ बहुत सारी गलियाँ हैं। जब तक आप लोग पहुँचेंगे तब तक मैं बता दूंगा कि रास्ता क्लियर है या नहीं। डॉक्टर आई नीड योर नंबर। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मैं कॉल करूंगा। हेलो संजीव, हम कॉलोनी में एंटर कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए हमारी वैन के सामने कोई गाड़ी नहीं आनी चाहिए। ये हमारी जगह है सर, आप चिंता मत कीजिए। हटाकर फोन करता हूँ। अब किस गधे ने रोड के पीछे कार खड़ी की है? हटाओ उसे, जल्दी से उस कार को हटाओ। हेलो, हाँ दो गाड़ियाँ रोड के बीच में है, जल्दी क्लियर करो। ठीक है, जल्दी बढ़ो, जाओ 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 जाओ।
अभी भी पहुंच सकती है और अभी डॉक्टर सर्जरी की तैयारी में लगे हुए हैं। जाने दो, हटो। सुदेवन नायर रिपोर्टिंग सर। यस सुदेवन, टेल मी। डेस्टिनेशन रीच्ड इन 1 hour and 58 minutes। यस। कांग्रेस। पीछे हटिए। कांग्रेचुलेशन सर। आज शहर के सभी लोगों को आप पर फक्र है। जिसने इस नामुमकिन काम को मुमकिन किया वो है ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल सुदेवन नायर। आज पूरे शहर को सुदेवन नायर पर फक्र है। उन्होंने ऐसा काम किया है जिसे सोचना भी आम लोगों के लिए मुश्किल है। उन्हें इस सफर में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गेट इन। स्पीड से डर तो नहीं लगता? ईश्वर नगर से फोन आया था, उस लड़की ने कोई कंप्लेन नहीं की है। अब तुम आजाद हो। हेलो, श्वेता तुमसे बात करना चाहती है, क्या मैं उसे फोन दूं? साइमन डिसोजा, कमिश्नर नासिर, थैंक यू वेरी मच। अरे तूने सामने से आके ठोका ना मेरे को, मैं तो सही जा रहा हूँ। देख तू ठीक से बात कर मेरे से, हाँ गलती मेरी नहीं है। देख मेरा कितना नुकसान हो गया, देख पूरा ठोक दिया तूने। ऐसे काम नहीं चलेगा साहब। देखो साहब, ये मैंने इंडिकेटर दे दिया साहब, मैं सीधा जा रहा था। ये झूठ बोल रहा था, इसने बोला मेरे को मेरा हजाना मांगता था। बस आ जा।